तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऐसी टेक के यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम लोगों के पास है रेड गियर की तरफ से कोस्मो 7.1 गेमिंग हेडफोन जो आती है आरजीबी लाइट के साथ। तो चलिए इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसकी फीचर्स क्या क्या है इसमें आपको मिलता है इस हेडफोन में, और इसका फुल सेटअप भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे वीडियोस में आपको सेटअप नहीं मिलता, तो हम आपको फुल सेटअप बताएंगे कि इसका सेटअप कैसे कंप्यूटर में लैपटॉप में आप इंस्टॉल करेंगे। तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो पर बने रहिए और चलिए इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो चलिए ये हमारा हेडफोन का बॉक्स है। तो आपको ऊपर में कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कोस्मो 7.1 टूर्नामेंट एडिशन है ये आपका, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे देखिए आपको फीचर्स में 7.1 सराउंडिंग गेमिंग हेडसेट, फुल साइज ओवर ईयर हेडसेट डिज़ाइन आती है, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन के साथ है। तो चलिए इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, और इसमें आप पीछे देख सकते हैं कि आपको जो RGB में कलर मोड में आपको ये ऑटोमेटिकली कलर जो चेंज होता है वो इतने मोड में आपका कलर चेंज होगा। तो इसका प्राइस जो है वो आपका, अभी हमने इसको परचेज़ किया है 1999 रुपये में। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रेड गियर का आपका यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कर दिए हैं अनबॉक्सिंग। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या क्या इसके अंदर आपको मिलता है, तो वो देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको मिलता है हेडफोन जो सबसे पहले निकलता है, तो ये आपका देख सकते हैं हेडफोन। चलिए इसको अभी सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे और देख लेते हैं हमारा बॉक्स में हमारा क्या क्या आ रहा है। तो बॉक्स में आपको मिलता है कोस्मो की तरफ से एक यूज़र मैनुअल है, आप इसको आराम से खाली टाइम में पढ़ सकते हैं, खैर उस पढ़ने की ज़रूरत नहीं आएगी क्योंकि सारा सेटअप हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके साथ मिलता है आपको इसका ड्राइवर, तो ये आपका ड्राइवर है, इसको आपको कंप्यूटर इंस्टॉल करना होता है। लेकिन आजकल नॉर्मली कंप्यूटर में आपको DVD राइटर नहीं आता, तो ये इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका जो ड्राइवर है हम लोग सीधा नेट से डाउनलोड कर लेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक उसका आपका स्टिकर दिया हो गया है, तो ये आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा बॉक्स में जो जो मिला वो सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलिए आ जाते हैं हेडफोन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो आपका हेडफोन है ये आपका काफ़ी बड़ा भी है, क्योंकि ये पूरे जब 7.1 सराउंडेड है, इसमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आप गेम खेलते हैं तो ये गेम में क्या होता है कि आपको एकदम क्लियर आवाज़ चाहिए, तो इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको देखिए बाहर से तो कोई आवाज़ आएगा नहीं, और अगर कोई बंदा अगर गेम में क्या होता है कि रेंग रहा है तो रेंगने तक का आवाज़ आपको इस फोन में मिलता है, और RGB के साथ आती है। तो आप देख सकते हैं इसको जैसे आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो ये जो है आपका, इसको हम यहाँ से कर दे रहे हैं रिमूव, देखिए तो ये आता है RGB लाइट के साथ। तो ये कलर जो है आपका ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ये कलर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये था, उसके बाद जो यहाँ आपको दिख रहा है माइक, तो माइक नॉइस कैंसिलेशन के साथ आती है। तो माइक में देखिए आपको ये फायदा है कि माइक में भी आपका RGB लाइट के साथ आता है, ये लाइट इसमें भी लगा हुआ है। तो ये था आपका, देखिए देखने में ये काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी बड़ा भी है। और उसकी क्वालिटी अगर वायर की बात करेंगे तो ये वायर इसमें आपको 2 मीटर के आसपास का वायर इसमें मिलता है, और इसकी वायर की क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी है और गोल्ड प्लेटेड USB के साथ आती है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोलर मिलता है अलग से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंट्रोलर में आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन है, ये माइक अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप माइक बंद कर सकते हैं, और ये है आपका RGB कि अगर आपको मान के चलिए कि आपको RGB सूट नहीं कर रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, और चाहें तो फिर इसको यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा हेडफोन था जो आपको देखने, चलिए इसका हम यूज़ करके देखते हैं और इसका सेटअप हम लोग कैसे कंप्यूटर में करेंगे, तो सारा चीज़ चलिए अब आज चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए आ चुके हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले गूगल ओपन करना है, और गूगल ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेड गियर कोस्मो 7.1 ड्राइवर, आपको ऑप्शन से नीचे मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्राइवर रेडबूट इंटरएक्टिव मिलता है।
तो याद, अब ये मत सोचिएगा कि आपको रेड गियर के नाम से कोई ड्राइवर वाला नहीं, तो रेड बूट इंटरएक्टिव ये वाला लिंक आपको ओपन करना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसका जो भी प्रोडक्ट है रेड गियर का वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो हम लोगों का प्रोडक्ट है रेड गियर कॉस्मो 7.1 हेडफोन। तो यहाँ पे ड्राइवर में आपको दो ऑप्शंस मिलता है। पहला ड्राइवर कह रहा है कि अगर आपने 2021 से पहले परचेस किया हो तो आपको ये डाउनलोड करना है, अगर आप 2021 में आप परचेस कर रहे हैं जनवरी के बाद तो आपको ये वाला। तो इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका ये इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ये गूगल ड्राइव से दे रहा है, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो चलिए सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक जैसे करते हैं तो आपका डाउनलोड फाइल हो जाता है। तो देखिए हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो ये है 20.9 MB का इसका फाइल सेटअप है। तो ये आपका डाउनलोड हो गया। तो हम लोग यहाँ से करेंगे सो इन फोल्डर, सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो सॉफ्टवेयर को पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे कि इसको हम लोग सॉफ्टवेयर को ले चलते हैं डेस्कटॉप पर, ओके करेंगे क्योंकि ये विनजिप में है तो इसको आपको पहले नॉर्मल फोल्डर में बनाना पड़ेगा। तो वो हमारा जो है सॉफ्टवेयर जो बने, देखिए आपका यहाँ पे डेस्कटॉप पर आ चुका है। तो इसको हम लोग करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद रेड गियर कॉस्मो ये है आपका। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं। तो हम लोग विंडोज 10 है तो विंडोज 10 लेंगे, और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सेटअप। इसको आप जैसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं पहले। तो ये आ गया आपका, यस करेंगे सेटअप, यहाँ पे इंस्टॉल स्टार्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे सेटअप हम लोग जो कर रहे हैं तो आराम से, खाली अब आपको नेक्स्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका रेड गियर का सॉफ्टवेयर वो कॉस्मो 7.1 इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं पहले में। क्या यहाँ पे कह रहा है प्लीज रिस्टार्ट योर कंप्यूटर फॉर द फंक्शन टू वर्क प्रॉपरली। तो यहाँ पे हम लोग ओके करेंगे, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। तो रिस्टार्ट हम जैसे करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है ये हो जाएगा हमारा बंद। तो चलिए रिस्टार्ट करने के बाद फिर से हम आते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए जैसे आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पर आपको कुछ इस तरह का शॉर्टकट आ जाता है रेड गियर का। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको एग्जिट कर दीजिए आप। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले आपको मिलता है मास्टर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड मेरा ज़्यादा आवाज चाहिए, राइट साइड ज़्यादा आवाज चाहिए, तो इसको यहाँ से आप लॉक को ओपन करके आप इसको चाहे तो आगे भी, ये जो आप लेफ्ट राइट का जो आपका हेडसेट का है आप इसका वॉल्यूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये स्पीकर का है, अगर आप चाहें तो माइक के सेटअप्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि माइक का जो सेटअप है तो यहाँ के माइक का साउंड कितना चाहिए आपको, तो यहाँ से उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर में आपका मॉनिटर जो है, आपका मॉनिटर का भी आवाज़ ये कंट्रोल कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि मॉनिटर से हमको आउटपुट मिले तो वहाँ के कंट्रोल आवाज़ को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही है आपका नॉर्मल सेटअप। तो कुछ ज़्यादा इसमें आपको सेटअप से मिलता नहीं है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सारा चीज़ दिया गया है। चलिए तो ये था इसका सॉफ्टवेयर का सेटअप। चलिए तो हम लोग इसको कर देते हैं बंद। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हेडसेट डिटेल्स में देखने में कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका शॉर्ट वीडियो।